नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। दोपहर के इस खास बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार झारखंड की टॉप खबरों के साथ मैं हाजिर हूं आपके साथ। तो चलिए बिना देर किए खबरों की करते हैं शुरुआत। बिहार की राजनीति में गर्माहट के बीच एनडीए के नेताओं में सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत शुरू हो गई है। इस बीच मुख्यमंत्री एवं जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार के रुख को लेकर एक बार फिर राजनीतिक अटकलें लगनी शुरू हो गई है। हालांकि भाजपा नेता फिलहाल इसकी संभावना नकार रहे हैं, लेकिन उसके अन्य सहयोगी कोशिश में जुटे हैं। एनडीए में सीटों की शुरुआती चर्चा में लोजपा रामविलास के नेता चिराग पासवान, हम के नेता जीतन राम मांझी व रालोसपा नेता उपेंद्र कुशवाहा की मेल मुलाकातें काफी महत्वपूर्ण है। सूत्रों के अनुसार भाजपा की तरफ से केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और नित्यानंद राय बिहार में एनडीए के सहयोगी दलों से सीट बंटवारे को लेकर चर्चा कर रहे हैं। नीतीश की पार्टी जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। इस बार मंडल के निशाने पर पीएम मोदी रहे। भाजपा को घेरते हुए गोपाल मंडल ने कहा कि बीजेपी झूठों की पार्टी है और ये नरेंद्र मोदी कहां से टपक गए, हम तो नाम भी नहीं सुने थे। गुजरात में सीएम रहे होंगे, वो अड़ियल की तरह बात करते हैं, दानव की तरह डकारते हैं। बिहार में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की सफलता के लिए 25 अलग अलग समिति बनाई गई है। इसमें अध्यक्ष सहित 220 नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। सबसे बड़ी 35 सदस्यीय मोबिलाइजेशन कमेटी है। ये सभी सदस्य अपने नेता राहुल गांधी को यात्रा में सहयोग करेंगे। बिहार में राहुल गांधी की यह यात्रा 27 जनवरी से शुरू होगी। बिहार में यात्रा 27 जनवरी को किशनगंज में प्रवेश करने की संभावना है। पहले चरण में किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार सहित 7 जिलों में 425 किलोमीटर यात्रा होगी। कांग्रेस के युवराज 2 बार बिहार में दाखिल होंगे। इसकी तैयारी बिहार कांग्रेस की ओर से जोर शोर से की जा रही है। भगवान राम लला का दर्शन कराने के लिए बिहार भाजपा ने राज्य के हर एक लोकसभा से एक स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। पार्टी ने अब तक 15 आस्था स्पेशल ट्रेन बुक कर लिया है। 25 और ट्रेन चलाने का प्रस्ताव जल्द ही रेल मंत्रालय को भेजा जाएगा। बिहार से पहली ट्रेन 29 जनवरी को भागलपुर से रवाना होगी। बिहार भाजपा के प्रदेश महामंत्री सह राम मंदिर दर्शन अभियान के राज्य संयोजक जगन्नाथ ठाकुर ने कहा कि 22 जनवरी के बाद अयोध्या में आम लोगों के दर्शन की सुविधा उपलब्ध है, इसलिए पार्टी ने अगले 2 महीने यानी कि 25 जनवरी से 25 मार्च तक 40 ट्रेन से बिहार के भक्तों को अयोध्या ले जाने का निर्णय लिया है। बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने नीतीश कुमार को नसीहत देते हुए कहा कि उन्हें 2005 वाले अच्छे प्रशासक वाले रूप में लौटना चाहिए, जब जदयू बीजेपी गठबंधन की सरकार थी। पटना में कार्यपालक पदाधिकारी अरविंद कुमार सिंह पर जानलेवा हमला करने के आरोपी तनुज यादव और नयन यादव रिश्ते में राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के पोते हैं, इसलिए पुलिस ने दोनों को बचाने के लिए मामूली धाराओं में मामला दर्ज किया है, जबकि आरोपियों के विरुद्ध NSA के तहत अंतर्गत कार्रवाई करनी चाहिए थी। बिहार के राम भक्तों के लिए अच्छी खबर है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले दरभंगा से अयोध्या के लिए सीधी विमान सेवा की घोषणा की गई है। निजी विमानन कंपनी स्पाइस जेट ने 1 फरवरी 2024 से दरभंगा और अयोध्या के बीच हवाई सेवा शुरू करने का ऐलान किया है। इससे जिले ही नहीं बल्कि पूरे मिथिला क्षेत्र के लोगों को सुविधा होगी। प्राण प्रतिष्ठा के बाद बिहार से बड़ी संख्या में लोग रामलला के दर्शन करने अयोध्या जाने वाले हैं। इसी को देखते हुए दरभंगा और अयोध्या के बीच नई डायरेक्ट फ्लाइट शुरू की गई है। अब खबरें झारखंड की। झारखंड में एक कथित भूमि घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ किए जाने से पहले शनिवार को मुख्यमंत्री आवास और संघीय एजेंसी के आंचलिक कार्यालय के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई।
ईडी के अधिकारी मामले में पूछताछ के लिए दोपहर को मुख्यमंत्री आवास जाने वाले हैं। इससे पहले ईडी दफ्तर और मुख्यमंत्री आवास के बाहर अवरोधक लगाए गए हैं। रांची के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि 1000 से अधिक सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। अब खबर मनोरंजन जगत की। फाइनली गदर 3 पर काम शुरू हो चुका है। डायरेक्टर अनिल शर्मा फ्रेंचाइजी की तीसरी किश्त के लिए बेसिक इंडिया लॉक कर चुके हैं। पिंक विला की रिपोर्ट के मुताबिक प्रोडक्शन कंपनी जी स्टूडियोज ने गदर 3 बनाने को लेकर हामी भर दी है। जी स्टूडियोज के साथ डायरेक्टर अनिल शर्मा और सनी देओल की शुरुआती कागजी कार्रवाई हो चुकी है। अनिल शर्मा अपनी राइटर्स की टीम के साथ मिलकर काफी समय से गदर 3 के लिए आइडियाज पर माथापच्ची कर रहे थे। फाइनली उन्हें फिल्म की बेसिक प्लॉट मिल गई है। अब वो इसे अपने राइटिंग पार्टनर शक्तिमान के साथ मिलकर स्क्रिप्ट में डेवलप करेंगे। अब खबर खेल जगत की। आईपीएल से जुड़ा एक बड़ा अपडेट सामने आया है। टाटा ग्रुप ने 2028 तक आईपीएल के टाइटल राइट्स 2028 तक रिटेन कर दिए हैं। इस समझौते में प्रति सीजन 500 करोड़ रुपए का योगदान टाटा ग्रुप करेगा। इनविटेशन टू टेंडर डॉक्यूमेंट के नियमों के अनुसार टाटा आईपीएल के टाइटल राइट्स अपने पास ही रिटेन कर सकता था। यदि कोई अन्य इकाई द्वारा ऑफर किए गए हाईएस्ट ऑफर से मेल खाते हो, टाटा ग्रुप ने राइट टू मैच का प्रयोग करने और उसी कीमत पर अधिकार बरकरार रखने का फैसला किया। टाटा ग्रुप ने 2500 करोड़ रुपए के वैल्यूएशन के लिए आदित्य बिरला ग्रुप द्वारा किए गए ऑफर की बराबरी की। इसके बाद बीसीसीआई ने टाटा समूह को टाइटल राइट्स सौंपने का निर्णय लिया। अब बात मौसम के मिजाज की। बिहार में सर्दी का सितम अगले 5 दिनों तक जारी रहेगा। ऊपरी वायुमंडल के सबसे निचले क्षेत्र में बर्फीली ठंडी पछुआ और उत्तर पछुआ हवा के चलने, समुद्र की सतह से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर चल रही जेट स्ट्रीम के असर से बिहार में 24 जनवरी तक और भी भीषण ठंड पड़ेगी। मौसम वैज्ञानिक ने कहा है कि विशेष जरूरत नहीं हो तो घर से बाहर नहीं निकले। पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 5 दिनों तक राज्य भर में घना कोहरा छाया रहेगा, जिसकी वजह से अधिकतम तापमान के काफी कम रहने की भी संभावना है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए दर्श न्यूज़।